नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, सीएम योगी से ओपी राजभर ने की है मुलाकात। अक्टूबर में पीएम मोदी की आजमगढ़ में होने वाली रैली पर चर्चा। ओपी राजभर के साथ अरुण राजभर भी पहुंचे थे सीएम आवास। एनडीए में शामिल होने के बाद सीएम आवास पर पहुंचे थे राजभर। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, ओपी राजभर जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। अक्टूबर में पीएम मोदी की आजमगढ़ में होने वाली रैली पर चर्चा हुई है। तो आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और ओपी राजभर की सुभाषपा मिलकर आजमगढ़ में एक बड़ी रैली करने जा रही है और उसमें पीएम मोदी को भी बुलाने की बात कही जा रही है और उसी को लेकर चर्चा हुई है। ओपी राजभर के साथ अरुण राजभर भी उनके साथ सीएम आवास पहुंचे थे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए में शामिल होने के बाद सीएम आवास पर पहुंचे थे राजभर। और अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। अजीत, आज क्या कुछ हुआ इस मुलाकात में? देखिए बिल्कुल अनुज, ओपी राजभर की एनडीए की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहली मुलाकात है। हालांकि एनडीए की बैठक से पहले भी मुलाकात हुई थी। हमारे साथ खुद ओपी राजभर जी हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। एनडीए की बैठक के बाद आज आपकी पहली मुलाकात मुख्यमंत्री से, क्या खास बात? देखिए, एनडीए में शामिल होने के बाद हमारा नैतिक कर्तव्य है कि सूबे के मुख्यमंत्री से मुलाकात, तो उसी कड़ी में मुलाकात हमने की है। हालांकि हम जब एनडीए में शामिल होने जा रहे थे, जब वहां से फोन आया, तो उसके पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री से 13 तारीख को मिला, बातचीत हुई, तो उन्होंने भी हमारी पैरवी पहले ही अमित शाह जी से उन्होंने कर चुकी थी और कहा कि आप जाके बातचीत करके फाइनल करके आओ, हम लोग मिलकर के। तो फार्मूला तय हो गया है और अक्टूबर में आजमगढ़ में आप बड़ी रैली करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उसमें प्रधानमंत्री को न्योता दे रहे हैं, आप एक बड़ा आगाज करने जा रहे हैं। आज ही पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया हूं कि हम अक्टूबर महीने में और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम लालगंज में, आजमगढ़ जिले के लालगंज में आप दिलवा दीजिए। और जो वहाँ पिछले 19 के चुनाव में जो 6 सीटें बीजेपी लूज की थी, वो संजोग से लालगंज के इर्द गिर्द है, चाहे वो अम्बेडकर नगर की हो, जौनपुर की हो, घोसी की हो, गाजीपुर की हो, आजमगढ़ और लालगंज की हो, तो ये सेंटर है। तो वहाँ कार्यक्रम होने से वो 6 ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश गर्म हो जाएगा। 2022 में आप अखिलेश यादव के साथ थे तो आजमगढ़ की 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीत गई थी, तो आजमगढ़ ही क्यों चुना आपने? नहीं, आजमगढ़ एक देखिए सेंटर प्लेस है, सेंटर प्लेस होने की वजह से उसको चुना गया है। और हमारा जो संदेश देना है कि हम अपने वोटरों को, अपने जो निचली पायदान पर हमारा वोटर है, उसको रैली के माध्यम से ही हम संदेश, जब हम 2017 में गए तब भी माननीय अमित शाह जी को बुला करके और कार्यक्रम 9 जुलाई 2016 को किए थे। कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते फिर आप दिल्ली जा रहे हैं एक बैठक, और उसके बाद कैबिनेट का विस्तार होगा यूपी में। हाँ बिल्कुल, जा रहे हैं और सीटों के संबंध में बात करेंगे जो तय हो जाएगा, और उसके बाद सरकार में शामिल होने की भी बात जो हो। क्या बात हुई मुख्यमंत्री से आपकी? देखिए आज मुख्यमंत्री से सिर्फ ये कि जो एक 14 जुलाई को अभी 23 में जो एक हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव दिल्ली भेजने का, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि वो कागज संजय कुमार को दे दीजिए, हाँ उसको देख लेते हैं हम लोग और प्रस्ताव हम लोग दिल्ली भेज देंगे। एक तो ये वही कार्यक्रम को लेकर के और शिष्टाचार मुलाकात। लेकिन अखिलेश यादव को तो बड़ा नागवार गुजर रहा हो, कभी 38+2 ट्वीट करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कहते हैं भाजपा जा रही है। देखिए इतिहास गवाह है, वो खुद अपने समझ लें, 17 में अकेले लड़े थे, 47 सीटें थी, हम साथ आए और लोग आए, 122 हो गए।